हे गाइस, बात करने वाले हैं आयशा सिंह को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा, आयशा सिंह के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर आए दिन बातें सामने आ रही हैं। अभी उनको लेकर प्रेम कहानी शो एक टाइटल डिसाइड किया गया था, एक प्रेम कहानी, जहां पर यहां पर सामने बातें आ रही थी कि शिवम खजूरिया के अपोजिट आयशा सिंह नज़र आने वाली हैं। वहां पर लगभग वो फाइनल ही नज़र आ रही थी, लेकिन इन मोमेंट पर वहां पर कांची सिंह को कास्ट किया गया है, जहां पर अब कांची और शिवम खजूरिया की जोड़ी बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। आयशा सिंह वहां पर नज़र नहीं आने वाली हैं। तो अब आयशा सिंह को लेकर, न्यू प्रोजेक्ट को लेकर बातें सामने आने लगी हैं कि किस प्रोजेक्ट के थ्रू वो देखने को मिलने वाली हैं। और बहुत सारे से प्रोजेक्ट के साथ में आयशा का नाम जुड़ा है, लेकिन अभी तक वो किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू देखने को मिली नहीं है। और ऐसे में जो फैंस की एक्साइटमेंट है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आखिर कब यहाँ पर आयशा सिंह देखने को मिलेंगी, किस तरीके से देखने को मिलेंगी, कैसा उनका कैरेक्टर होने वाला है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना ही आयशा सिंह ने खुद से कुछ बोला है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ही जल्द आपको वो सरप्राइज़ देती हुई नज़र आएंगी। आपको बता दें, नागिन सीजन 7 को लेकर जोरों शोरों से चर्चा चल रही है, तो ऐसे में उनका नाम उस शो के साथ भी काफ़ी टाइम से जुड़ रहा है, लेकिन अभी तक सीजन 7 रिलीज़ नहीं हुआ है। तो सीजन 7 को लेकर लोग एक्साइटेड हैं किस तरीके से नागिन सीजन 7 यहाँ पर लॉन्च होगा, और जहाँ पर एज अ लीड कौन देखने को मिलेगी, इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है चारों तरफ। अभी देखना यह है कि वहाँ पर एज अ लीड आयशा सिंह नज़र आने वाली हैं या फिर सरगुन गौर लूथरा का नाम भी शो के साथ जुड़ रहा था। इसके अलावा और भी जानी मानी एक्ट्रेस है जिनका नाम नागिन सीजन 7 के साथ जोड़ा जा चुका है। सो उनके ट्रूली फैंस जो हैं, डेफिनेटली इस तरीके के डिफरेंट कैरेक्टर में उन्हें देखना चाहते हैं, पर वो देखने को मिलेंगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। जैसा कि अभी तक होता रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ उनका नाम जुड़ा है पर वो फाइनली वहाँ पर देखने को मिली नहीं है लास्ट में जाकर। तो ऐसा इस शो के साथ भी ना हो, ऐसा फैंस नहीं चाहेंगे। तो देखते हैं कि किस प्रोजेक्ट के थ्रू आयशा सिंह आप लोग को सरप्राइज देती हुई नज़र आएंगी और आप लोग को गुड न्यूज़ देती हुई नज़र आएंगी। आप भी एक्साइटमेंट कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।